एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि रेशियो प्रोपोर्शन का सीरीज चल रहा है और इसमें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1/6/2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट एग्जाम में पूछा है, तो आने वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। तो देखिए, अभी तक जो रेशियो प्रोपोर्शन का थ्योरी क्लास, जहाँ से पूरा किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में x घटाया जाए, चार जो आपका पद दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, चारों में अगर x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन कितना अच्छा, देखिए पहले बोल रहा है कि चार पद है, उसमें से प्रत्येक में x घटा रहे हैं तो वो समानुपात होगा। मतलब यहाँ कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है कि 21 से x घटाएंगे, ये अनुपात होगा किसका, तो 22 माइनस एक्स, फिर समानुपात हो जाएगा किसका, 60 माइनस एक्स अनुपात 64 माइनस एक्स का। ठीक है, तो ये दो पद, ये दो पद, हम लोग को पता है क्या कि दो बाहरी पद का जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो दो अंदर के पद के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के होता है। ये हम लोग को पता है, फर्स्ट क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर इस तरह से करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो देखिए इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या, जब बोल देता है कि समानुपात होगा या अनुपात है, तो ये दो अनुपात में है, ये दो अनुपात में है, और ये दो और ये दो आपस में समानुपात है, तो आप डायरेक्ट ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं। क्या, 21 माइनस एक्स बाय 22 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स बाय 64 माइनस एक्स, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। फिर आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो भी वही आएगा। जैसे कि इसका बोले थे कि अंदर बाहर के दो पद का मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट इक्वल होता है अंदर के दो पद के प्रोडक्ट के, आप क्रॉस भी कर रहे हैं तो वही चीज आएगा। देखिए 21 माइनस एक्स से इसका मल्टीपल होगा 64 माइनस एक्स का, इसी से हो रहा है यहाँ पर भी, और 22 माइनस एक्स से मल्टीपल हो रहा है 60 माइनस एक्स का। देखिए 22 माइनस एक्स और 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इससे मल्टीपल होगा, इसका इससे मल्टीपल होगा, दोनों काम इक्वल होता है। ठीक है, इससे थोड़ा जल्दी होगा, इससे समझने में आसानी होता है, इसलिए शुरू शुरू में ये चीज समझाए थे। अब हम लोग इस पे आ जाएंगे, अब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या होगा, इससे इसका गुणा होगा और इससे इसका गुणा होगा, तो 21 माइनस एक्स गुणा 64 माइनस एक्स होगा, इक्वल्स टू होगा किसका, 60 माइनस एक्स गुणा 22 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब पहले 21 का इससे मल्टीपल होगा, फिर 21 का इससे होगा, फिर x का एक बार इससे करेंगे, फिर x का इससे करेंगे। देखिए 21 इंटू 64, फिर माइनस है तो माइनस 21 इंटू एक्स, फिर x माइनस है तो माइनस x इंटू 64, तो 64 इंटू एक्स डायरेक्ट लिखते हैं 64x, फिर देखिए माइनस x इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस है प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इधर आ गया, इधर क्या हो रहा है, देखिए 60 इंटू 22, तो 60 इंटू 22, फिर माइनस 60 इंटू एक्स, तो 60x, फिर माइनस 22 इंटू एक्स, तो 22x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस है, एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, अगर इक्वल के इधर आएंगे तो नीचे आएगा, सॉरी प्लस है तो इक्वल के इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और आपस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो आ जाएगा, तो आप इसको यहीं पर कैंसिल कर दें, लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, 21 इंटू 64 21x, इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा 21x ही, थोड़ा टाइम बच जाएगा लिखने का। ठीक है, और बाकी देखिए जो x का टर्म है उसको एक साइड कर देंगे, और वेरी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर देंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 64 इंटू 21, तो 84 एड करे, आई थिंक 6 126 प्लस 8
136। तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है कि ना 1344 माइनस 21x माइनस 64x, ऐड करिएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 5 to 85x, 85x इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 60 into 22, तो 22 into 60 कीजिएगा तो 6 से मल्टीपल कर दीजिए, 0 तो पहले ही है तो 0 पर हटा देते हैं, और 6 to 132 0, ठीक है 1320, 1320 माइनस। अब इसका इससे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है दोनों, तो ये हो गया कितना 82x, क्योंकि 60x प्लस 22x दोनों माइनस में है, तो साइन माइनस हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा प्लस। अब देखिए x का टर्म को एक साइड कर देंगे और बाकी टर्म को एक साइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1344, और इसको उठा के इधर लाएंगे माइनस 13 कितना है 20 इक्वल्स टू 82 माइनस में इधर है, तो माइनस 82x प्लस 85x, तो देखिए माइनस 82x प्लस 85x, तो बचेगा क्या 3x बचेगा प्लस में क्योंकि ये बड़ा है, इधर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 24, तो x इजिकल टू 24 बाय 3 करेंगे तो आएगा 8, तो x का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। अब जब 8 आ गया तो पूछा क्या है, पूछा है इसमें क्या मध्य अनुपात, किसका मध्य अनुपात x प्लस 1 और 7x प्लस 8, तो पहले x प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा 9, और 7x प्लस 8 तो 7x मतलब 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56 प्लस 8 तो 64, तो 9 और 64 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर किसी भी नंबर के मध्य अनुपात निकालना होता है और दो ही नंबर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा तीसरा, और बीच वाला निकालने बोल रहा है, तो बीच वाला जो भी निकालते हैं हम लोग तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है वो कि अगर बी निकालना है तो 9 मतलब पहला इंटू तीसरा का रूट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग पहले वाला वीडियो में थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ये कैसे होता है, ए होता है पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है। जब बी निकालना होता है तो पहला वाला का और दूसरा वाला का मल्टीपल करके प्रोडक्ट जो आएगा उसका रूट निकालना होता है, ठीक है, तो बी निकलता है फर्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 into 64 जो आएगा उसका रूट निकाल दीजिए, तो देखिए जब रूट निकालेंगे तो मल्टीपल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि 9 भी 3 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, जब यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 9 इंटू रूट 64, तो ये होता है 3 into 8 जो कि आएगा आपका आंसर 24। तो इस क्वेश्चन में आपका मध्य अनुपात बी इजिकल टू आया कितना 24। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है रिजल्ट कैसे आया, इसका रिजल्ट आया 24। देखिए ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन हिट से बन सकता है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम ज़्यादा दे दिया है, ऑप्शन हिट करने में ही बहुत समय लगेगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व आपको करना ही होगा, आप सॉल्व करके ही इसको बना सकते हैं, जितना शॉर्ट में करेंगे उतना अच्छा है, तो शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा टाइम बचेगा, इसको नहीं कीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट सब निकालना, ये कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करना होगा, और यहाँ पर बी वाला जो है बी वाला आपको याद रखना होगा कैसे निकलता है, ठीक है, तो कम समय में इसको बनाया जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को तक वीडियो को जरूर पहुँचाइए, कमेंट में बताइए हमें क्या क्या और अच्छा करना चाहिए और किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, कौन कौन चैप्टर को पहले कराना है आप लोगों के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए। एक कोई थे उनका नाम याद नहीं आ रहा है कि शशि कुमार अब कौन थे, हमको लग रहा है मेरा ही स्टूडेंट में से कोई एक है, तो उन्होंने कहे थे कि परसेंटेज को स्टार्ट करें, तो हम जल्दी ही आपके लिए परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करें और उसकी तैयारी चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ।